गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखो, जिस तरह हमने आइडियल गैस बिहेवियर की बात की है कि आइडियल गैस जो है एक हाइपोथेटिकल गैस है जो कि एक्चुअल में एक्जिस्ट नहीं करती है। आइडियल गैस एक थियोरेटिकल आप कह सकते हो कि हाइपोथेसिस है। देखो, जैसे कि आइडियल गैस के लिए बताया गया कि आइडियल गैस के लिए हमने गैस इक्वेशन फाइंड आउट की, पी वी इज इक्वल्स टू द एन आर टी, जिसे हम मैथमेटिकली फाइंड आउट किया हमने। ठीक है, आइडियल गैस वो गैस है जो कि हर एक प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पर बॉयल्स लो को, चार्ल्स लो, ठीक है, और अवोगाड्रो लो को फॉलो करती है। बट देखो, एक्चुअल में देखा गया कि जो रियल गैसेस हैं, एक्चुअल में जो हमारी गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की बात कर लो, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सारी गैसेस जो हैं वो एक्चुअल में फॉलो नहीं करती हैं इन गैस लो को, यानी कि वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती। ठीक है, तो वो कैसा बिहेवियर शो करती हैं आइडियल गैस से, किस तरह वो डेविएट करती हैं, कैसे वो आइडियल गैस बिहेवियर को छोड़कर अपना दूसरा बिहेवियर वो शो करती हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, रियल गैसेस के बारे में हम डिफरेंस देख लेते हैं आइडियल गैस और रियल गैस में, जिससे कि हमें कंपेयर करना ईजी हो जाए कि एक्चुअल में रियल गैसेस कैसा बिहेवियर शो करती हैं। एक जनरल सा आइडिया लेते हैं। यहाँ देखो, आइडियल गैस के बारे में आप जानते हो कि आइडियल गैसेस क्या फॉलो करती है। आइडियल गैसेस के लिए पी वी इज इक्वल टू द एन आर टी, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एन आर टी के इक्वल होता है। समझते हैं सभी, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, जितने मोल गैस ली गई है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ओके, फिर हम बात करते हैं आइडियल गैस में मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज़ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, आइडियल गैस पर जब स्टडी की गई तो देखा गया कि आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि जो भी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं वो नेग्लिजिबल माना जाता है आइडियल गैस के केस में। तो हम कह सकते हैं क्यों नेग्लिजिबल माना गया, क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, फिर हम रियल गैसेस के लिए बात करें तो ऑब्वियसली रियल गैसेस के लिए पी वी नॉट इक्वल टू द एन आर टी, ये चीज़ हमारी प्रूफ है। मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम, जबकि रियल गैसेस का वॉल्यूम होता है, जानते हो आप सभी। और आइडियल गैस के लिए ये सोचा गया था कि उनमें जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। फिर हमने देखा थर्ड चीज़ क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल था, किसके केस में, आइडियल गैस के केस में, जबकि रियल गैसेस में हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तभी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये चीज़ हमारी क्लियर होती है। तो अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं रियल गैसेस के बिहेवियर की तरफ। तो कुछ स्टडीज़ की गई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके बेसिस पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, किस किस के लिए, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस के लिए। ठीक है, आइडियल गैस तो हमारी थियोरेटिकल हाइपोथेसिस थी। ठीक है, तो उसके लिए देखो प्रेशर और वॉल्यूम के लिए कैसा ग्राफ होना चाहिए, आप जानते हो, पहले भी प्लॉट करके आए हो। ठीक है, बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर आप लेते हो आइडियल गैस, तो प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे जैसे आप प्रेशर कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यही रिलेशन होता है ना। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें यहाँ पर मिलता है, इस तरह का ग्राफ हमें यहाँ देखने को मिलता है आइडियल गैस के केस में। ओके, जबकि रियल गैस, कोई एक गैस ली गई उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ इस तरह का ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ नहीं मिला। कैसा ग्राफ मिला, यहाँ पर देखो हायर वॉल्यूम से कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो हमारा आइडियल गैस का ग्राफ है और ये रियल गैस के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, जो कि एक्चुअल में देखा गया एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, अब इस ग्राफ से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ये देखने को मिलता है कि रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो डेविएशन शो कर रही हैं, कहीं तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से अगर देखो तो वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें आइडियल गैस के कंपेयर में, कहीं हमने देखा कि उनका वॉल्यूम आइडियल गैस के कंपेयर में क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रही है चीज़, तो कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कैसे ये डेविएट कर रही है, वो चीज़ हम देखेंगे। देखो, अब हमने इस ग्राफ में हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, एट हायर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आपको यहाँ नज़र आ रहा है वाई एक्सिस पर, तो हम हायर प्रेशर पर गए। सबसे पहले हायर प्रेशर पर हमने यहाँ पर प्रेशर को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, हाई प्रेशर करके प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तो एक चीज़ यहाँ देखो, आप क्या नोट करते हो, आप यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर आपका कांस्टेंट है, हाई प्रेशर पर जाकर आपने प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया, अब वॉल्यूम के लिए देखो आपको क्या देखने को मिलता है, वॉल्यूम यहाँ देखो हाई प्रेशर पर ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, किसका वॉल्यूम, सबसे पहले तो देखो रियल गैस का वॉल्यूम, ये रियल गैस है, रियल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया हाई प्रेशर पर, जबकि आइडियल गैस का प्रेशर
का जो वॉल्यूम है वो कम नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको ग्राफ देखने पर, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होता है, आइडियल गैस ने फॉलो किया, बट यहाँ पर रियल गैस के केस में हमें वो वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला, समझ में आई ये चीज़। तो हम कह सकते हैं कि एट हाई प्रेशर, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पर जो हमारी रियल गैसेस थी उन्होंने पॉजिटिव डेविएशन शो किया एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस के कंपेयर में उनका वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिला। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं थियोरेटिकली, एट हाई प्रेशर रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ओके, तो वहाँ आप क्या लिखोगे हाई प्रेशर के लिए, कि रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आपको आइडियल गैस के कंपेयर में ज़्यादा देखने को मिला। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर उसके बाद हम चलते हैं, हाई प्रेशर पर हमने कर लिया, अब लो प्रेशर पर आए, ठीक है, प्रेशर हमने कम कर दिया और उसको कॉन्स्टेंट रखा कम करके, ठीक है। इस पर आप आओ, क्या देखने को मिलेगा, ये आपने कॉन्स्टेंट किया हुआ है। अब वॉल्यूम मेजर करो, देखो वॉल्यूम यहाँ पर आपको अब देखो एट लो, एक लो टेम्परेचर रियल गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन, रियल गैसेस का जो डेविएशन है, एक सेकेंड रुको, यहाँ नहीं करो इसको, लो प्रेशर बिल्कुल ही कम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाओ, आइडियल गैस बिहेवियर के बाद यहाँ आ जाओ। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको रियल गैसेस वाला जो वॉल्यूम है वो आपको कम देखने को मिलेगा, रियल गैसेस का वॉल्यूम कम हो गया जबकि आइडियल गैसेस का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर जैसे जैसे आप रिलीज करते हो, यानी कम करते हो प्रेशर, ओके, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा, यही तो कहता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो वो वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम हमें ज़्यादा नज़र आया, और जबकि हमने यहाँ ग्राफ के थ्रू देखा तो रियल गैसेस का वॉल्यूम हमें कम नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर रियल गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ओके, नेगेटिव डेविएशन यानी उनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो हम कहेंगे यहाँ वी रियल, यानी रियल गैसेस का वॉल्यूम कम होगा आइडियल गैसेस के कंपेयर में। ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई की इस ग्राफ को देखकर, समझ में आई ये चीज़। तो हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं रियल गैसेस के बिहेवियर की तरफ, आइडियल गैसेस का बिहेवियर हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि उनके लिए पी वी इज इक्वल टू द एन आर टी होता है, वो बॉयल के लोग को फॉलो करते हैं, चार्ल्स के लोग को फॉलो करते हैं, एवोगैड्रो लोग को फॉलो करते हैं, ठीक है। जबकि रियल गैसेस क्या है, कहीं कहीं फॉलो करती हैं इन लॉज को और कहीं कहीं लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, वो कहीं तो उनका वॉल्यूम हायर चला जाता है आइडियल गैस के कंपेयर में, कहीं लो चला जाता है, वो चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर होता है। अब एक फैक्टर हम पढ़ेंगे जिसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये जो रियल गैसेस का डेविएशन है ना, यानी आइडियल गैस बिहेवियर से इनका जो अलग हटना है, जो डेविएशन है, वो उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंप्रेस करना यानी दबाना, प्रेशराइज करना, तो उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू आप इस रियल गैसेस के बिहेवियर को शो कर सकते हो। देखते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। सो स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर बात करें तो देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो फैक्टर है जो गैसेस के बिहेवियर पर प्रेशर के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यानी कि आप गैसेस प्रेशर के थ्रू आप कैसे पता लगा सकते हो कि गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी या रियल बिहेवियर शो करेंगी। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, आइडियल गैस और रियल गैस के लिए, तो हमने देखा कि हाई प्रेशर पर किसका वॉल्यूम हायर था, रियल गैसेस का वॉल्यूम हायर देखने को मिला, जबकि आप लोअर प्रेशर पर आए तो आपको आइडियल गैस का वॉल्यूम हायर देखने को मिला। तो एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि आइडियल गैस का वॉल्यूम हायर था, इट मींस कि लो प्रेशर पर हो सकता है कि गैसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर वो होती हैं अगर प्रेशर लो रखा जाए तो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से समझते हैं। देखो, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे जेड से एक्सप्लेन करते हैं, ओके, कैपिटल जेड से, ओके। आप यही तो चीज़ देख रहे हो ना कि रियल गैसेस कैसे डेविएट कर रही हैं आइडियल बिहेवियर से, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू द पी वी अपॉन एन आर टी, या फिर आप कह सकते हो जेड इज इक्वल टू द वी रियल, यानी कि रियल गैसेस का वॉल्यूम अपॉन आइडियल गैसेस का वॉल्यूम, ओके। तो हम कहेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी वी एंड एन आर टी, ओके, पी वी और एन आर टी का जो रेशियो है उसे ही हम नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, समझ में आई ये चीज़। और या फिर हम कह सकते हैं कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो,
कि आइडियल गैस के लिए पी वी एनआरटी के इक्वल होता है नहीं होता, तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा, वन ही आएगा ना। जब दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो जेड की वैल्यू वन हो जाएगी, ये चीज़ क्लियर होती है। तो जहाँ भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू यूनिट देखने को मिलता है, आपको वन देखने को मिलता है, तो वहाँ आप कहोगे कि गैस कैसा बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल गैस बिहेवियर। ये चीज़ क्लियर होती है हमारी, यहाँ लिख सकते हैं हम फॉर आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू द वन बिकॉज पी वी इज इक्वल टू द एनआरटी। या आप कह सकते हो कि आइडियल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस दोनों का वॉल्यूम इक्वल आ रहा है, यानी कि जो रियल गैस आप काम में ले रहे हो वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, इट मीन्स कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, यूनिटी आएगा। ये चीज़ क्लियर होती है। अब यहाँ देखो, अभी तो आपने देखा कि जेड इज इक्वल टू द वन तो गैस आइडियल गैस होगी। अब मान लो जेड का वैल्यू वन से हायर आ गया, इट मीन्स कि क्या होगा, जेड का वैल्यू इज मोर देन वन, इट मीन्स कि यहाँ इस चीज़ को देखो आप, जेड का वैल्यू मोर देन वन आ गया, यानी कि रियल गैसेस का वॉल्यूम आपको हायर देखने को मिला। यही तो समझ में आएगा ना हमें इस चीज़ को देखें, अगर हम इस रेशो को देखते हैं, अगर ये जेड का वैल्यू वन से हायर आ रहा है, इट मीन्स कि रियल गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा है और आइडियल गैसेस का वॉल्यूम कम है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज हायर देन आइडियल गैस, यही चीज़ समझ में आ रही है अगर हमें जेड इज ग्रेटर देन वन नज़र आता है। ओके, तो हम कहेंगे गैस शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यानी कि रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आइडियल से ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। ओके, तो हम कहेंगे कि ये गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है आइडियल बिहेवियर से। जबकि आपने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू वन से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। वन से कम कब आएगा, जब आप इधर देखते हो, कब आएगा, जब आपका आइडियल गैस का वॉल्यूम हायर होगा। इस रेशो को देख के यही लग रहा है हमें। ओके, व्हेन जेड इज लेसर देन वन तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, यानी कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है, रियल गैस का वॉल्यूम आपको कम मिल रहा है, यानी कि गैस ने डेविएशन तो शो किया बट नेगेटिव डेविएशन शो किया। ओके, फिर हम ये चीज़ नोट करेंगे, एट लो प्रेशर, आपने देखा था जब आपने ग्राफ प्लॉट किया था बॉयल्स वाला रियल और आइडियल गैस के लिए, तो लो प्रेशर पर बिहेवियर ऑफ गैस इज बिकम मोर आइडियल। गैस का बिहेवियर ज़्यादा आइडियल होता है कब, जब लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर पर ही तो क्या होगा, वॉल्यूम आपको आइडियल गैस का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रियल का कम देखने को मिल रहा है, यानी कि जो गैस है आपकी वो आइडियल बिहेवियर ज़्यादा शो कर रही है एट लो प्रेशर। यही चीज़ एक्सप्लेन होती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स को लेकर, उससे हमारी ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, एट एस टी पी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस इज मेजर टू बी 25 लीटर। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है वो कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। उस पर किसी एक मोल गैस का वॉल्यूम मेजर किया गया तो 25 लीटर आया। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैस, अब गैस का नेचर बताओ आप कि वो रियल है कि आइडियल गैस है। ओके, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, 273 केल्विन, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 180 एम। जहाँ भी एसटीपी लिखा हुआ जाए इट मीन्स कि स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, यानी 273 केल्विन टेम्परेचर है और 180 एम प्रेशर है। अब जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि 8 STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आप किसी भी गैस का एक मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना आता है, 22.4 लीटर। ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर वो गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, आइडियली ये माना गया है कि एस टी पी पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। ओके, अगर ये स्टैंडर्ड गैस होती जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो इसका वॉल्यूम कितना आता, 22.4 लीटर आता, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 25 लीटर, यानी ये आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है ना, 22.4 से, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। और ये जो आइडियल गैस का बिहेवियर है हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से जो रियल गैस का बिहेवियर है हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से एक्सप्लेन करते थे, उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को यहाँ लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू द वी रियल अपॉन वी आइडियल, इन दोनों का ही रेशो है। वी रियल आपने यहाँ लिखा, रियल गैस का वॉल्यूम 25 लीटर और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 22.4 लीटर होना चाहिए। ओके, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, जेड विल बी ग्रेटर देन वन, इट मीन्स के जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है एज कम्पेयर टू आइडियल गैस। तो हम कहेंगे कि गैस क्या है, रियल गैस है,
ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? इस लाइन को हमेशा याद रखना है, एसटीपी पर वन मोल गैस, ठीक है? अगर वो आइडियल है, आइडियल गैस है, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 22.4 लीटर। उससे कम आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेकर। सो द गैस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड दिस इज अ रियल गैस। यही तो पूछ रहा था, उसका नेचर ही तो पूछ रहा था गैस का कि भाई हाँ ये रियल गैस है, और कैसी रियल गैस है कि आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, यानी कि रियल का वॉल्यूम हायर है एज कम्पेयर टू आइडियल वॉल्यूम। ये चीज़ समझ में आती है हमें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हमने ये देखा कि गैसेस जो हैं वॉल्यूम ज़्यादा शो करती हैं जब आइडियल गैस से जो उनका बिहेवियर है वो आइडियल गैस से डेविएट होता है, ठीक है, रियल गैस की तरफ जाता है, तो रियल गैसेस ज़्यादा वॉल्यूम शो करती हैं। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तब भी हाई प्रेशर पर वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा था, ठीक है? तो उस चीज़ को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। जब हमने ग्राफ देखा तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जब आप हाई प्रेशर पर जाते हो, प्रेशर को कॉन्स्टेंट करते हो हाई करके, तो आपका जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि लो प्रेशर पर जाकर आपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट किया तो आपको आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिला। तो हम ये चीज़ समझते हैं कि लो प्रेशर पर तो गैसेज जो हैं वो आइडियल बिहेवियर की तरफ ज़्यादा जाती हैं, जबकि हाई प्रेशर पर रियल गैसेस की तरफ ज़्यादा जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब एक ग्राफ और लेंगे जिससे हम बहुत अच्छे से अपना जो डेविएशन है इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखो एक एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि किस तरह से आइडियल गैस और रियल गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि आइडियल गैसेस में मान के चलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जबकि रियल में अगर हम देखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। जब मॉलिक्यूल्स हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे देखो ये किसी कंटेनर का वॉल है, ओके, उस कंटेनर में गैसेज हैं। अगर वो गैस आइडियल गैस है तो क्या होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या करते हैं वो टकराएगा जाकर इस वॉल से, गैस का मॉलिक्यूल है उस कंटेनर की वॉल से टकराएगा, हिट करेगा। तो अगर ये आइडियल गैस है, ध्यान में रखना, अगर ये आइडियल गैस है तो इस मॉलिक्यूल का जो अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है गैस के, उनके साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। यही कहती है ना आइडियल गैस, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो उतनी ही रहेगी जितनी उतनी ही वेलोसिटी से जाकर ये वॉल से टकराएगा, इसकी वेलोसिटी में कोई कमी नहीं आएगी। जबकि अगर ये रियल गैस है, रियल में देखा गया कि अगर ये रियल गैस है तो ये मॉलिक्यूल जब वॉल से जाकर टकरा रहा है, गैस का जो पार्टिकल है वो वॉल से टकरा रहा है, तो अगर ये रियल गैस है तो अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, इस पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो उनके साथ ये अट्रैक्ट हो रहा है। तब क्या होगा जब इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से ये आगे जा रहा है टकराने, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। होगी नहीं होगी, समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में तो वेलोसिटी क्या होगी? जितनी इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उतनी ही वेलोसिटी से ये टकराएगा, जबकि रियल गैस के केस में वेलोसिटी कम देखने को हमें मिलेगी। इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, एज वी नो आइडियल गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हमें पता है अगर वो आइडियल है इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल। समझ में आती है ना ये चीज़? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है आइडियल गैस के केस में वो ज़्यादा होगा और जो प्रेशर है रियल गैस के केस में वो कम हो जाएगा ना। इसकी वेलोसिटी यानी इसका जो प्रेशर लग रहा है, जितनी वेलोसिटी से ये टकरा रहा है वॉल से जाकर, तो इसका प्रेशर जो है वो इक्वली होगा उसी वेलोसिटी के, ठीक है, जबकि रियल गैस के केस में इसकी जितनी वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से कम हो जाएगा इसका प्रेशर, उस प्रेशर से ये टकराएगा वो प्रेशर कम हो जाएगा। मान लिया हमने कि आइडियल गैस के केस में इसकी वेलोसिटी 20 थी तो इसका प्रेशर भी 20 होगा, उतने ही प्रेशर से ये स्टिक करेगा, जबकि रियल गैस के केस में मान लो इसकी वेलोसिटी तो 20 थी बट अगर रियल गैस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? इसका प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं वो इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो ये कम प्रेशर के साथ जाकर टकराएगा। ये चीज़ समझ में आ गई ना? तो ध्यान में रखना आइडियल गैस के केस में प्रेशर ज़्यादा है और रियल गैस के केस में प्रेशर कम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो देखो अब अगर आप आइडियल गैस का प्रेशर देखते हो, ठीक है, तो रियल गैस के कंपेयर में कुछ ज़्यादा है डीपी, कुछ डीपी से करके डीपी कोई वैल्यू है जिससे ज़्यादा है, डीपी हम कहते हैं ड्रॉप इन प्रेशर, ओके। तो अगर आप आइडियल गैस का प्रेशर निकालना चाहते हो तो रियल गैस के प्रेशर में आपको कुछ प्रेशर ऐड करना होता है, प्रेशर का कुछ अमाउंट ऐड करना होता है। यही चीज़ समझ में आती है ना यहाँ से,
प्रेशर का कुछ अमाउंट ऐड करोगे तब जाकर आइडियल गैस का प्रेशर बनेगा, ओके। और अगर प्रेशर आइडियल गैस के केस में प्रेशर ज़्यादा है और रियल के गैस में प्रेशर कम लग रहा है, यहाँ से हमें समझ में आ रही है चीज़, तो वॉल्यूम पर ध्यान दो। वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर के कम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, जबकि कम प्रेशर के केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, आइडियल गैस में लग रहा है, तो वॉल्यूम कहाँ कम होगा, आइडियल गैस के केस में, जबकि रियल गैसेस एक्चुअल में कम प्रेशर लगा पाती हैं कंटेनर की वॉल पर, तो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ समझ में आती है हमें। तो अगर प्रेशर हमने देखा कि एक्चुअल में रियल गैस के प्रेशर में आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा तब आपको आइडियल गैस का प्रेशर मिलता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रियल गैस का ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस, ओके। फिर आगे चलते हैं। अब वॉल्यूम देखो, प्रेशर में तो आपको आइडियल गैस के प्रेशर अगर आपको तैयार करना था, आइडियल गैस इक्वेशन आपको तैयार करनी, पी वी इज इक्वल टू द एन आर टी, तो वहाँ पर आप रियल गैस के प्रेशर में कुछ जोड़ोगे प्रेशर के लिए, जबकि वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, कम है, तो रियल गैस के वॉल्यूम से कम है, तो यानी रियल गैस में से आपको डी वी करके कुछ वैल्यू माइनस करनी होगी। ये डी वी क्या है, ड्रॉप इन वॉल्यूम लिख लेते हैं यहाँ पर। डी वी क्या है, डी वी इज इक्वल टू द ड्रॉप इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो कमी है वो डीवी कहला रही है। समझ में आई ये चीज़। तो अब इन फैक्टर्स को लेते हुए, प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू लेते हुए, अगर हम लिखना चाहें अपनी आइडियल गैस इक्वेशन तो कैसे कन्वर्ट करोगे, पी वी इज इक्वल टू द एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। पी की वैल्यू पी ना रहकर क्या हो गई, रियल गैस में कुछ आपको जोड़ना पड़ा डी पी, तो पी की जगह पी रियल प्लस डी पी आप आइडियल की तरफ लेकर जा रहे हो इसे, ठीक है। और वी कुछ कम करना पड़ा आपको, रियल गैस में से वॉल्यूम माइनस करना पड़ा, तो वी माइनस डी वी, वी रियल लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ समझ में आई, इज इक्वल टू द एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। अब देखो, ये तो हमने अपनी समझ से तैयार की आइडियल गैस इक्वेशन, बट एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि प्रेशर जो है वो कितना ज़्यादा होता है आइडियल गैस के केस में और वॉल्यूम कितना कम होता है आइडियल गैस के केस में एज़ कम्पेयर टू रियल गैस। तो वंडरवॉल जो थे उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इसके अकॉर्डिंग हमें एक मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन दी है, ओके। उसको हम देख लेते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि रियल गैस का जो प्रेशर है एक्चुअल में आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है, ओके, और जो वॉल्यूम है वो रियल गैस के केस में हायर होता है एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस। तो उससे हमने अपने आइडियल गैस के जो इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई किया। अब उस मॉडिफाइड इक्वेशन को सही टर्म्स के फॉर्म में वंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट ने हमें प्रपोज किया था। देखो, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ रियल गैस वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉन्स वंडरवॉल इन 1873, ओके। 1873 में जॉन्स वंडरवॉल ने सही तरीके से एक इक्वेशन के थ्रू हमें रियल गैस का जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन किया। या देखो, अब जब हमने अपनी रियल गैस की इक्वेशन बनाई थी, पी रियल प्लस डी पी, यहाँ पर हमने वो प्रेशर जोड़ा था, ठीक है, जो कि रियल गैस के केस में कम लगता है, तो आइडियल गैस के केस में हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है। जबकि रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ गया था एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस, तो हमने उस वॉल्यूम को यहाँ पर माइनस किया था, इक्वल्स टू द एन आर टी। ये चीज़ समझ में आती है। अब वंडरवॉल ने कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए इस इक्वेशन को, एक्चुअल इक्वेशन की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट किया, पी प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और वी में यहाँ वी माइनस एन भी उसने किया, ठीक है। क्या क्या टर्म्स हैं वो हम देखेंगे, इज इक्वल टू द एन आर टी, ओके। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो कि कहलाती है आपकी वंडरवॉल इक्वेशन, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर जो ए और बी है ये क्या है, ए और बी वंडरवॉल कॉन्स्टेंट है। ए डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्स पर, अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा रियल के केस में प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, जबकि बी क्या है, यहाँ पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम आपने यहाँ से एक्सक्लूड किया है उसकी वैल्यू है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ओके। एन भी लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से हम वंडरवॉल इक्वेशन के थ्रू रियल गैस किस तरह आइडियल गैस से डेविएशन शो करती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। हमें जो लिक्विड स्टेट है या गैसेस का लिक्विफिकेशन, वो इस ईयर हमारा सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।